गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न, जो कि यादगार सीरीज में करा रहे हैं। गाइस, आज एक नया प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। गाइस, ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस, एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से सभी लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। यहां से अगर अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कम से कम 20 नंबर, अधिकतम 25 नंबर तक की तैयारी आपकी हो जाएगी। बस ईमानदारी से सही तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। तो गाइस, चलिए आज का एक नया क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए एक बात, कुछ लोग कहेंगे सर 20-25 नंबर कैसे हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, दिमाग से पढ़ोगे तब। देखिए, या तो क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, या फिर क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्ट करके पूछे जाएंगे। डाइवर्ट करने का मतलब समझे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपका डेरिवेशन कराए हूं यहाँ पे, तो डेरिवेशन जो कराए हैं डेरिवेशन सीधे पूछा जा सकता है, या फिर उस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उस फार्मूला से आधारित कोई आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे अति लघु प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी प्रकार क्वेश्चन को दे लेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो, क्यों रटेंगे तो एक ही क्वेश्चन दे पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे कम से कम 20 से 25 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आज का हम कराते हैं, ठीक है। और एक बात है, ये क्वेश्चन मैं पिछले दिन दिया था तो वहां पर शायद वीडियो वगैरह नहीं जा रहा था आपके पास, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ सब चीजें सही होंगी, ठीक है। और ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप लोग क्या समझते हैं, प्रकाश से व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, लिखना सभी लोग, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग व्यतिकरण के बारे में लिखेंगे, व्यतिकरण के बारे में लिखिए। देखिए, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसी भी प्रकाश का वह घटना है या प्रकाश का वह गुण है, प्रकाश का एक गुण है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश है जिसकी आवृत्ति समान हो तथा आयाम भी लगभग समान हो और एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चले, तो दोनों प्रकाश कण क्या अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे आप और आपका दोस्त कहीं जा रहे हो, समान दिशा में जा रहे हो, समान कोई एक ही प्लेस पे जा रहे हो, तो क्या करते हो आप दोनों, एक ही बाइक से चले जाते हो, बाइक शेयर कर लेते हो, इसी तरह से दोनों क्या एक ही में बैठ जाते हो ना, यही करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो, यही बात ना। देखो, मेरी कोशिश रहती है क्लास में ही पूरी याद कराती है, यही कोशिश मैं वरदान बैच में कर रहा हूँ, जहां पे जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, जो भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि वरदान में जो आपको 5 सब्जेक्ट दी जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट हुई, 6 के 6 सब्जेक्ट दी जा रही है, इसी तरीके से मैं वहां पे एक एक पॉइंट को करा रहा हूँ, बात समझे आप। कोशिश यह रहेगी कि आपको पूरा याद लिया जाए, कोशिश यह रहेगी कि आपके दैनिक जीवन से हम तुलना करते हुए पूरी चीजों को समझा दिया जाए, समझे बात को ना। तो फिर से समझिए सभी लोग, व्यतिकरण किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझना। जब एक व्यतिकरण एक प्रकाश का गुण है जिसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में एक ही आवृत्ति के तथा एक ही आयाम को, मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम के एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गति करें तो उनका क्या हो जाता है, गति करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उनका अध्यारोपण हो जाता है, यह घटना क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। लिखना सभी लोग, जब दो से अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है, जितना मैं लिखा रहा हूं लिखोगे तो याद रहेगा। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी माध्यम में सभी लोग लिखना, देखिए कोई रटने वाला परिभाषा नहीं, केवल बना के मैं लिखा रहा हूं, किसी समान माध्यम में दोनों का माध्यम एक ही रहे, अगर कोई वायु में जा रहा तो वायु में जाएगा, अगर एक प्रकाश किरण दूसरा प्रकाश, देखिए अब देखिए सीधी बात है, अगर आप और आप इधर जा रहे हो, आपका दोस्त जो है पानी में जा रहा है, तो कैसे साथ में बाइक से जाओगे, नहीं जाओगे ना, दोनों लोग एक ही माध्यम जाओगे तभी तो जाओगे, तो समान माध्यम तथा समान दिशा में समान आवृत्ति से गति करे तो
उनका क्या हो जाता है? तो उन प्रकाश किरण का अध्यारोपण हो जाता है और यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी समान माध्यम तथा समान दिशा में समान आवृत्ति से गति करें तो उन प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है? अध्यारोपण हो जाता है और यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, व्यतिकरण जो होता है प्रकाश का, देखिए दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी समान माध्यम में समान दिशा में समान आवृत्ति से गति करे तो उन प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है? अध्यारोपण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए व्यतिकरण जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। बताओ दो प्रकार कौन कौन से होता है? देखिए पहला प्रकार जो व्यतिकरण का होता है वो होता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा प्रकार जो होता है विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले पहला प्रकार देखेंगे संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, ध्यान देना। देखिए इसमें क्या होता है, अगर दो प्रकार किरणें जैसे आपके सामने मैं दे रहा हूं एग्जांपल इस तरह से जा रही है, एक तो प्रकाश किरण आपका रेड वाला है इस तरह से, ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण आपका ये है ब्लू वाला, ठीक है ये ब्लू वाला, तो दोनों प्रकाश किरणों का जो तीव्रता, दोनों प्रकाश का ये आयाम एक दूसरे से योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा और अधिकतम हो जाएगा। ये क्या अधिकतम हो जाएगा मतलब समझे, फिगर अच्छा से नहीं बनाना, फिर से बना देता हूं मैं, जानबूझे ग्राफ खराब बनाया, क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग ध्यान दें कि फिगर सर अच्छा नहीं बना रहे, दोबारा बनाऊंगा तो अच्छे से बनाऊंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये सब चीजें होती है, टेक्निक होती है आपको समझाने की, मैं मेरी कोशिश है कि क्लास में याद हो जाए। मैं कहता हूं अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई, मैं कहता हूं दावे से कहता हूं नहीं तैयारी हुई है, एक बार अभी तो समय थोड़ा, एक बार अभी भी समय है, आप ज्वाइन करो वरदान बैच में। अभी तक आप बहुत से टीचर्स के साथ पढ़े होंगे, एक बार मेरे साथ भी पढ़ के देखो, याद करोगे आप लोग, ठीक है। डेली क्लासेस, डीपीपी, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीजें दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। यह आपका प्रकाश किरण ये इस तरह से ये है, दूसरा प्रकाश किरण ध्यान देना यह आपका दूसरा इस तरह से, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों तो समान दिशा में अधिकतम न्यूनतम, ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगे? योग हो जाएंगी इस तरह से हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्रकाश किरण क्या हो जाएंगे? योग हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। यानी संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है? संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण का हुआ घटना जिसमें बिंदुओं पर प्रकाश तरंगों समान कला में मिलते हैं, व्यतिकरण की वह घटना, लिखना सभी लोग, व्यतिकरण का वह घटना जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी बिंदुओं पर प्रकाश किरण समान कला में मिलते हैं। व्यतिकरण की वह घटना जिसमें सभी प्रकाश किरण क्या सभी बिंदुओं पर प्रकाश किरण समान कला में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी पे एक जगह तीव्रता अधिकतम होता है, कहीं तीव्रता न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम इस तरह से होता है। व्यतिकरण का हुआ घटना जिसमें सभी बिंदुओं पे कोई भी बिंदु वहां पे प्रकाश किरण समान कला में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? समान कला में मिलते हैं, समान फेज में मिलते हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इसमें क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। या देखिए समान कला मिले, जब दोनों जुड़ेंगे तो अधिकतम हो ही जाएंगे ना, ठीक है। तो व्यतिकरण की वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी समान कला में मिलते हैं, किसी भी बिंदु पर प्रकाश किरण समान कला में मिलते हैं, सेम फेज में मिलते हैं, अगर ऊपर तो ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो नीचे ही मिलेंगे, तो यहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। समझे कि नहीं समझे बताओ, यह घटना आपकी क्या कहलाती है? संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। दूसरी घटना विनाशी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण इसका जस्ट उल्टा होता है। मैं थोड़ा सा स्प्रे मार देता हूं ताकि जल्दी मिटे ना, आदमी दर्द कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोविड का वैक्सीन लगवा लिया था, ठीक है, हाथ पूरा दर्द कर रहा है, फिर भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेहनत करोगे, ध्यान
ध्यान देना, विनाशी व्यतिकर, देखो विनाशी व्यतिकर, विनाशी व्यतिकर, देखिए विनाशी व्यतिकर क्या होता है, इसमें क्या होती है, देखिए ये आपका, ये आपका इस तरह से एक प्रकाश कर गया, ठीक है, दूसरा प्रकाश कर जस्ट इसके अपोजिट फेस में जाएगा, ऐसे बताओ इसमें क्या, ये ऊपर है ये नीचे, दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, तीव्रता न्यूनतम होगी कि नहीं होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी कि नहीं होगी, होगी ना न्यूनतम, होगी न्यूनतम ना, देखो विनाशी व्यतिकरण में क्या होती, सभी बिंदुओं पे प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलते हैं, क्या होती सभी बिंदुओं पे प्रकाश तरंगे, सभी बिंदुओं पे प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलते हैं, विनाशी व्यतिकरण में दो बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर प्रकाश तरंगे, क्या प्रकाश तरंगे क्या यहाँ पे मिली, मैं शॉर्ट में लिखता हूं आप सभी लोग लिखना, इस विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे विपरीत, विपरीत कला में मिलती हैं, प्रकाश तरंग क्या विपरीत कला में मिलती है, एक दूसरे विपरीत कला में मिलती है, जैसे इनकी तीव्रताओं में क्या विपरीत कला मिलती है, अर्थात इनकी तीव्रता यहाँ पे तीव्रताओं में अंतर हो जाता है, अर्थात यहाँ पे तीव्रता इनका क्या होता है, तीव्रता न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, जाता बताओ ये क्वेश्चन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, लंग लांग वाला हुआ नहीं, डिफ्रिशन लिखे ये दोनों के दोनों आप लोग फिगर बनाए, दोनों फिगर बनाना, संपोषी व्यतिकरण वाला भी विनाशी व्यतिकरण वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, देखिए संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है, प्रकाश तरंगे सेम कला में मिलती है, विनाशी व्यतिकरण क्या विपरीत कला में मिलती है, जब विपरीत कला में मिलेंगी तो क्या होंगी यहाँ पे, विपरीत कला में मिलेंगी तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, क्या होगा इनकी तीव्रता न्यूनतम होगी, ठीक है, होगी कि नहीं होगी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा, हाँ बताओ, एक होमवर्क दूं आप करोगे, होमवर्क बताओ, होमवर्क दूं करोगे, अभी करोगे अभी आप लोग होमवर्क, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें मैं बोल दे रहा हूं, सबको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नहीं लिखूंगा याद हो जाएगा, पहला व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होता है मैं बता रहा हूं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पहला क्या होता है, पहला आपका यह होता है कि दोनों प्रकाश तरंगे कला संबंध स्रोत होना चाहिए, पहला आप मैं लिखा यहाँ पे, पहला होता है दोनों प्रकाश तरंग क्या होने कला संबंध होना चाहिए, कला संबंध, भाई साहब कला संबंध स्रोत नहीं रहेंगे व्यतिकरण नहीं होगा, आवश्यक शर्तें यही है, कला संबंध होना चाहिए, कला संबंध का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाले तरंगों के बीच कलांतर स्थिर हो उसे कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं, दोनों प्रकाश तरंगे तभी यहां पे व्यतिकरण होगा जब इनके ये क्या हो कला संबंध होंगे, पहली बात, दूसरी बात आपका क्या है, दूसरी बात यहां पे है आपका कि इनकी दूसरी बात इनकी 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 इन तरंगों की आवृत्तियां, इन तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य इसमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इन तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दूसरी बात, तीसरी बात क्या होना चाहिए, आयाम भी समान होना चाहिए और समान दिशा में संचरण करना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग बताया आयाम भी समान होना चाहिए, समान दिशा में संचरण करना चाहिए, तथा चौथी बात और लास्ट बात, इन दोनों प्रकाश तरंगों के बीच की दूरी न्यूनतम होना चाहिए, एक प्रकाश तरंग आपके घर है दूसरा अमेरिका में है तो इनका व्यतिकरण नहीं होगा, जब इन दोनों तरंगों के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तभी होगा, समझे, ये पूरी शर्तें मुझे कमेंट बॉक्स में देखना, मैं देखूंगा कितने लोग बात मानते हैं, लिखना सभी लोग लिख लोगे याद हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया सभी से, बताओ एक क्वेश्चन तैयार है, इसके अलावा दो क्वेश्चन और इस चैप्टर में पढ़ा है, दो क्वेश्चन पढ़ लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ो, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो न्यूमेरिकल भी इसी दो क्वेश्चन के इर्द गिर्द जाएगा, एक परिणामी तीव्रता वाला जो अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू ये वाला जो होते समझे, परिणामी तीव्रता वाला, ठीक है, परिणामी तीव्रता वाला एक क्वेश्चन, एक यंग का दिरिचलेट प्रयोग, ये दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कर लोगे नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं करा दूंगा लेकिन जरूर करना, ठीक है, ओके ओके हो गया बताओ, चलिए ठीक है ना, और जिनको भी वरदान बैच में जुड़ना भाई जल्दी जुड़ जाओ क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है, लेट करोगे तो नहीं रह हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो जुड़ के, जो भी चीजें वहां पे पढ़ाई जा रही पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं, प्री बोर्ड भी क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं जो 750 वाले कराए थे, बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट पेपर भेजते, आपका भी पेपर होता आप भी मुझे भेजो, मैं दिखाऊंगा सबको, ठीक है ओके चलिए।